नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आया तो नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। आज हम बनाएंगे मसाला बनाना या फिर मसालेदार केले की सब्जी, ग्रेवी वाला है ये। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म कर चुकी हूँ और केले को धो के काट के मैंने पीसेस में रख दिया है। ये देखिए तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में और इसे गर्म होने में लगभग 2-3 मिनट लगेगा। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये देखिए केला। इसको ऐसे राउंड राउंड पीस करना है और धो लिया है मैंने, ये देखिए ऐसे राउंड पीस करना है और थोड़ा थोड़ा छीलना है इसको। अभी हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने में लगभग आपको 5 मिनट्स लग जाता है। इस तरीके से आप तेज़ आंच में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप इंग्रेडिएंट्स डिटेल देखना चाहते हैं या फिर क्या क्या सामग्री इसके लिए चाहिए देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा ऊपर से। तो हम एक प्लेट में इसको अलग से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे बनाना को एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ मैं। उसमें हम डालेंगे ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा इंग्रेडिएंट्स मैं पूरा डिटेल्स दे चुकी हूँ उसमें। अदरक लहसुन को हम भूनने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा ब्राउन होने तक। ये देखिए टमाटर मैं ले रही हूँ 2 और इसमें राई के दाने और जीरा दोनों को डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर, राई के दाने और जीरा को अभी देखिए ये थोड़ा पानी इसका सूख गया है, अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट का ब्राउन भी हो गया है थोड़ा, इसका जो कच्चे वाला स्मेल है चला गया है। अभी हम इसमें जो जीरा और जो सरसों के दाने थे उसको जो ग्राइंड किया था मैंने, उसको मैंने डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा करी पत्ता और इसको हम पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये है करी मसाला पाउडर 1 चम्मच, वेजिटेबल मसाला है ये, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर है ये, अभी हम इसमें डाल रहे हैं नमक डाल के अच्छी तरह से। हम आपके स्वाद के हिसाब से नमक लीजिए। इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे सिम आंच में। आप इस समय गैस को सिम कर दीजिए या फिर मीडियम फ्लेम में रखिए, क्योंकि तेज़ आंच रखेंगे तो जल जाएगा मसाले। तो इस स्टेज में आप स्लो आंच में ही इसको पकाएं। अभी हम 5 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से जो हमारे टमाटर प्यूरी है और जो सारे मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट्स के बाद हम खोल के देखेंगे कि ये देखिए पक चुका है, अच्छे से मसाले ड्राई हो चुका है। इसमें मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हेल्दी बना रही हूँ मैं। और इसमें हम डाल देंगे पानी 1 कप डाल के हम ग्रेवी बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ग्रेवी बन रहा है। अभी इस सबको मिक्स करके बॉईल आने तक इसको छोड़ देंगे। पानी हमें 1 कप डाल दिया है और इसको बॉईल आने तक हम इसको छोड़ देंगे। अभी
ये देखिए, ये लगभग 5 मिनट्स के बाद बॉयल आ जाता है। अभी हमारा जो फ्राई किया हुआ बनाना है इसको हम डाल देंगे। और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर चुकी हूँ मैं। अभी हम इसको फिर से हम 5 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि केला जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। सीम आँच में ही इसको भी पकाए 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे कि हमारा केला देखिए अभी बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना सॉफ्ट पक चुका है अंदर से। देखिए चम्मच से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट हो चुका है। अभी हमारा केला खाने के लिए तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।